आज हमारे साथ हैं पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी जी, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत सर आपने ये पदभार कब से संभाला? 12 दिसंबर 2017 को मैंने नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन पद के लिए शपथ ली थी और जब से लेके भी लगातार मेरा कार्यकाल चल रहा है। जी, तो जब आपने ये पदभार संभाला तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में यही था कि पुरकाजी के अंदर चोरी की घटनाएं बहुत होती थी। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए किसी तरह की कोई व्यायाम की, जिम की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरकाजी के अंदर कहीं पर भी सुलभ शौचालय नहीं थे, लोग परेशान रहते थे, टूटी हुई सड़कें थी। और जो सबसे बड़ी एक समस्या थी वो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ जो एक ऐतिहासिक सूलीवाला बाग है, वो बहुत बुरी दशा में था। वहाँ पर मरे हुए कुत्ते पड़े रहते थे, पूरे कस्बे की गंदगी वहाँ पर पड़ती थी। तो ये सब चुनौतियाँ थी। पुरकाजी के अंदर व्यवस्थाएँ पूरी तरह से ख़त्म थी, उन सब व्यवस्थाओं को सही करना वो मेरे लिए चुनौती था। सो सर, आपके पास आपके क्षेत्रवासियों की क्या क्या फरियाद आती हैं? मुख्य रूप से तो समस्याएं यही रहती हैं कि किसी का राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, जो महिलाएं हैं उनकी पेंशन नहीं है, और किसी को पानी का कनेक्शन चाहिए। लोग सड़कों के लिए कहते थे, वो सड़कें बनाई गई। मेरे से पहले 2017 से पहले पुरकाजी के अंदर 1000 पानी के कनेक्शन थे, मेरे कार्यकाल में 750 कनेक्शन पानी के दिए गए हैं। तो लोगों की जो भी समस्याएं थी उन्हें 24 घंटे सुना गया है और उनका पूरी तरह से समस्याओं का निराकरण कराया गया है। जी, आपने सर इन कठिनाइयों का कैसे समापन किया है? असल में मैं चेयरमैन बनने से पहले भी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरे पीछे नहीं है। मैं जनता की समस्याओं से पहले से रूबरू था, हमेशा धरना प्रदर्शन करके मैंने पुरकाजी क्षेत्र की समस्याओं का हल कराया है। जैसे पुरकाजी में पहले रोडवेज बस स्टैंड था, वो 20 साल से बंद था, हमने धरना प्रदर्शन करके उसे शुरू कराया। कई बार धरना प्रदर्शन करके हमने खूब गैस के कनेक्शन करवाए, बिजली की आपूर्ति सुचारू करवाई, और रोडवेज गाड़ियाँ हमारे यहाँ बाईपास बनने से बाहर से जाती थी उनके लिए हमने हाईवे पर धरने किए। वो धरनों में हमें कामयाबी मिली, सारे काम हमने धरना प्रदर्शन करके कराए।